हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, आप सब दादा गुरु जी को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। पुनः मनी मन प्रणाम कर लो। यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, दो महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करते हैं, त्यों त्यों आराम लगने लगता है। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर दरबार में आए हो, मन ही मन अपनी अर्जी को आप तीन बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं और जाओ, बिना पर्चा बने ही तुम्हारा काम सफल होकर के रहेगा, तुम पेशी भर शुरू कर देना। तीन बार मन ही मन बोलो ओम। ओम ओम कहो। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से सात बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो, बोलो बालाजी सरकार की, बोलो सन्यासी बाबा की। बोलिए क्या समाधान, जो क्या हो गया बहना जी? पर दूसरा भी तो विवाह होगा, पर उसमें तो कलेश बना,
जो आपकी हमारे बारे में विषय हमारे पास शक्तियों ने विषय दिया उसमें क्लेश बन। और कुछ जानना? इसमें है तीन बातें, भक्ति बढ़ेगी, धन की तंगी है, दरबार में कर्जा की मूलतया अर्जी लेकर आई है, मानसिक भी बहुत परेशान है, पहले वाला विवाह में पति खत्म हो गए, दूसरी आपने शादी की है उसमें भी कलेश मचा हुआ है, लड़ाई बहुत बनी हुई है, रखना नहीं वो चाहते, रखना नहीं चाहते, लेकिन जाओ बालाजी कृपा करेंगे, सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद है। बालाजी सरकार की। मैं बाबा से रायपुर में मिली थी, बाबा ने सिर्फ मेरे को भभूति दी थी, बाबा से मेरी बात नहीं हुई थी, इस बार मेरी बात हो गई। बालाजी और सरकार सबकी सहायता करें। तो आपने ये विषय तो नहीं किसी को बताया था? माइक से बोलो। नहीं बाबा, किसी को किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। तो आप हर जगह कथाओं में जाते हैं क्या? हाँ, मैं आपकी सेवा देती हूँ, बाउंसर का काम करती हूँ। किसकी तरफ से ये ड्यूटी करते हैं? सुषमा मैम की तरफ से। सुषमा कौन है वो? मैडम है हमारी। अच्छा, तो प्राइवेट होंगे आप लोग? नहीं, हाँ मैम के संग जाते हैं, मैम जा लिया। इनका फोटो चाहिए हमको। एक घर की भी अर्जी है। भैया वाली क्या है? लड़का परेशान करता, सुनता नहीं, लड़का परेशान ज्यादा करता है, उनको लेकर के आना है। उनकी भी आई, ठीक भाई ना, खुश रहो, आशीर्वाद। बोलो बालाजी सरकार की। चलिए आओ दोनों।